मम्मी जी नमस्ते। आ गई माँ रानी? आ गई अपने घर से? आजकल की बहू देखो क्या जमाना आ गया, पैर छूना को भी तो देखो नाम के लिए छूती हैं। हम अपने सास के पैर कैसे दबाते थे एक एक घंटे, समझ आई? आजकल की बहू को दे, आ गई तो बिहार से? हाँ आ गई। वो मम्मी ने आपके लिए बहुत सारा सामान भेजा है, फ्रूट सर आपको पसंद है ना, तो इसलिए मम्मी ने भेजे आपके। अरे जब मैं अपने वक्त में थी ना बहुत संस्कारी थी, मेरे नाम के डंके दूर तक बजते थे, इतनी मेरी मम्मी तो आवाज भी नहीं होती थी। आजकल की लड़कियों को देखो पटर 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 गैर जवाब देती हैं। और कुत्ते दूध एक दूध की सिम कर दिख रहा है मम्मी जी। और वो नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, और बताओ कैसा रहा, दो तीन दिन थी नहीं मैं। हाँ देखा मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? क्या बताऊं, ऐसे कर तू दो तीन सब्जियां बना ले और बुआ जी आएंगी और मासी आएगी और उसके परिवार आएगा मासी का, तो ऐसे कर 10-12 जनों का खाना बनाना है। 10-12? मुझे तो सिर्फ 3 लोगों का खाना बनाना आता है। क्या तू हर काम के लिए मना कर देती है? कुछ काम सिखाया है तेरी माँ ने या नहीं सिखाया? हर चीज को मना कर देगी, हर चीज को मना कर देगी। खुद मुंह चलाना सिखा दे। हाँ मैं अपने टाइम में पूरे गांव का खाना बना देती थी, अकेली ही पूरे गांव का खाने में मशहूर थी। कहते थे मुझे कि भाई बहू है तो वो हलवा ही से भी ज्यादा काम करती थी मैं। तो मम्मी जी मैं ये बोल रही थी आप ही बना लो, आपका हाथ का खाना तो इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है बस दिल खुश हो जाता है। पता आपकी तारीफ में ना बुआ जी भी बहुत कर रही थी, मेरे बुआ जी सास वो कह रही थी मेरी नंद जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। तो मम्मी आप ही बना लो ना, मुझे बता देना क्या क्या जरूरत है। हाय राम, मैंने क्या कह दिया बहू से, अभी ऐसा ना हो कि खाना मुझसे ही पहना ले। कहती भैया नहीं, ऐसे कर बेटा जो तुझे पकाना आता है वो ही पका ले, मेरे तो घुटनों में अब दर्द रहने लगा ना। मुझे तो सिर्फ Zomato से ऑर्डर करना आता है। हाय राम, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं? वैसे भी देखो गर्मी हो रही है, दोनों क्यों फंसना, आप भी गर्मी में फंसोगी मैं भी गर्मी में फंसूंगी, इससे अच्छा ऑनलाइन मंगा लेते हैं और इनको पापा जी को बोल देंगे हमने बनाया है। हे राम, ये तो खर्चे की बात करती है, हर टाइम खर्चा करती है, कभी पैसे बचाने की बात ही नहीं करेगी, हमेशा खर्चा खर्चा खर्चा, पता नहीं कितना अपने घर से लेके आई है। मम्मी जी बुआ जी ये भी कह रही थी कि कहते कोई वो सूट और पूछ लेते। मैं नहीं दूँ। हाँ आजकल तो देखो बेटा ये तो रिवाज है ना, अपनी सास को नंद को कपड़ा देना और वो भी पीआर का लाया हुआ। ऐसे मेरी आपकी वो भाभी है ना वो लेके आई है बहुत सारे सूट, हर बार मेरे साथ मेरी माँ के कपड़े दे देती है ठाके। मैं अपने कपड़े नहीं दू, मेरे तो इतने महंगे आते, मैं नहीं दू एक भी कपड़े। हाँ बेटा ऐसी कर, आपकी बार जो तू होली पे कपड़े दे दी ना वो अपनी बुआ सास को दे दियो, वो ऐसे ही तो घटिया सा लगा था, कोई अच्छे तो देती नहीं है तेरी माँ कपड़े। मम्मी जी जो आप पहन के बैठे हो ये भी मेरे ससुराल से मम्मी के यहाँ से आए हैं, तो ये भी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, सिलवाना पड़ा मजबूरी थी, ऐसा तो कुछ खास कपड़ा ना दिया तेरी माँ ने। अच्छा मम्मी जी अगली बार याद रखूंगी कि क्या कपड़ा लाना है कैसा कपड़ा लाना है। और बताओ मम्मी जी क्या करना है? कैसी पटर पटर जवान चलती है, हम अपने सास के सामने मुंह तक नहीं खोलते थे, और ये देखो महारानी, अरे आज भी हमारी नजर तो ऊंची नहीं उठती है, और इनके कपड़े देख, राम 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 क्या कपड़े पहनती हैं आजकल की लड़कियां। मम्मी जी वो इन्होंने बोला था ये सूट अच्छा लग रहा ला अच्छे से ले ले तो इसलिए पहन लिया। हाँ दिखाई दे रहा है ऐसे कपड़े, ये कपड़े तो कहीं कोई नहीं पहनता है जैसे तू पहनती है। मम्मी जी आपकी क्या कहते हैं वो सास ने दिलाया है। कुछ कुछ।